जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 12.2 का सवाल नंबर 9, कक्षा 10 गणित, एनसीईआरटी पैटर्न, यूपी बोर्ड। सवाल नंबर 9 है, एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति आप लोग देख रहे होंगे। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसमें जो है कितना जो है तार, कितना लंबा तार चांदी का लग रहा है, वो मैंने कितना लंबा चांदी का तार लाया जाए ताकि ये तिल्ली भी बन जाए और इसके चारों तरफ ये परिधि भी इसका बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई बताइए कि कितना लंबा चांदी का तार लाया जाए ताकि ये तिल्ली भी बन जाए। पांच गो तिल्ली है, एक, पांच व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया, पांच व्यास है, एक दो तीन चार पाँच। जैसे व्यास देखा जाए, व्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो एक दो तीन चार पाँच, यही ना है। और पाँच जो है ये व्यास हो गए, तो पाँच व्यास, एक व्यास की लंबाई कितना है 35, तो पाँच व्यास की लंबाई निकल जाएगा 35 × 5, तो टोटल लंबाई ये हो गया व्यास का है। आ इसका परिधि निकाल देंगे तो ये चारों तरफ की लंबाई हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हो जाएगा। यानी कि कुल वांछित तार की लंबाई अगर हम लोग निकालें तो परिधि धन पांच व्यासों की लंबाई, परिधि धन पांच पांच व्यासों की लंबाई निकाल दिया जाए तो ये जो है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम जो है क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है लिख लेंगे, दिया है हमें, क्या दिया गया है, तार का व्यास, क्या है, ब्रूंच का व्यास, क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार ब्रूंच का व्यास, वृत्ताकार ब्रूंच का व्यास दिया गया है हमें 35 mm। अब दोस्तों हम लोगों को परिधि निकालना है, चूँकि परिधि निकालना है तो हम लोगों को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो इससे हम लोग त्रिज्या भी निकाल लेंगे। एक मिनट, थोड़ा पेन निकाल लें, स्केच। तो अब देखिए हम लोगों को व्यास दिया गया है तो हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखिए हम लोगों को जो है व्यास दिया गया है तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो व्यास बटे दो होता है। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो व्यास बटे दो होता है। ठीक है, तो हम लोग व्यास निकाल लेते हैं, त्रिज्या, तो व्यास की वैल्यू है 35, अब बटे दो कर देंगे तो हो जाएगा 17.5, 17.5 × 35 नहीं हो जाएगा, तो 17.5 हो गया ये व्यास। ठीक है, त्रिज्या हो गया यार, त्रिज्या क्या हो गया, 17.5 mm। ठीक है, तो अब त्रिज्या निकल गया। अब लिखेंगे हम लोग कि चूँकि एक एक व्यास की लंबाई, एक व्यास की लंबाई कितनी है, एक व्यास की लंबाई है 35 mm, तो पांच व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो पांच व्यास की लंबाई कितनी होगी, भाई एक व्यास की लंबाई 35 mm, तो पांच व्यास की लंबाई
बराबर हो जाएगा 5 × 35, तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 = 5 हासिल 1, सॉरी 5 × 25 = 5 हासिल 2, अब 5 × 15 = 17, 5 × 15 = 175 mm, 175 mm हो गया 5 व्यास की लंबाई। अब वृत्त की परिधि भी निकाल लेते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि भी निकाल लेते हैं, तो वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 πr, तो 2π का मान 22/7 ही ले लेते हैं, कोई कंडीशन नहीं कहा है तो, गुणे आर का मान ले लेते हैं हम लोग 17.5, तो 17.5, ठीक है, इतना ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ये जो है कटेगा तो नहीं, नहीं कटेगा ना, तो क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देते हैं, तो 22 × 44 हो जाएगा, और गुणे 17.5, अब बटे में हो जाएगा 7, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो इसका गुणा करके और 7 से भाग देते हैं, गुणा करके 7 से भाग, तो अब गुणा करेंगे 44 × 17.5, तो ये हो जाएगा 770/7, 7 से काट दीजिए, 7 × 77, 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 110, तो ये चारों तरफ की लंबाई निकल गया 110, ठीक है। मैंने जैसे देखिए ये ब्रूंच है, गोल है, और गोल के साथ साथ ऐसे जो है 5 व्यास भी बनाया गया है, ठीक है, 1 2 3 4 एक और 5, ऐसे जो है बनाया गया, ये सब बराबर बराबर है, ठीक है। तो ये 5 व्यास के लंबाई, क्योंकि एक व्यास का है 35, तो 5 का हो जाएगा 35 × 5, तो 175 ही लंबाई हो गया, 110 mm ये लंबाई हो गया, तो कुल लंबाई यानी कि वांछित ब्रूंच, वांछित चांदी की तार की लंबाई, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर, यहाँ पे वांछित 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 तार की लंबाई, तार की लंबाई, वांछित तार की लंबाई बराबर, वांछित तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि अधर में क्या हो जाएगा, 5 तार का व्यास, 5 व्यास तार की लंब, 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई, पांच व्यास की लंबाई, तो वृत्त की परिधि कितना आया है, वृत्त की परिधि, तो वृत्तवा के परिधि आया है 110, 5 व्यास की लंबाई आ गया है 175, तो दोनों जोड़ देंगे तो 5 × 5, 7 × 8, 1 × 1 = 2, कितना हो जाएगा, 285 mm, 285 mm आपके जो है वांछित तार की लंबाई, मैंने 285 mm तार अगर खरीद के ले आया जाए तो ये जो है आकृति कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हमको जो है कह रहा है, ये आपका जो है पहला हो गया, ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ब्रूंज के प्रत्येक तिरजा खंड का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए ये आपका तिरजा खंड बना रहा है, तो प्रत्येक यानी कि कितना तिरजा खंड बना है, 10 गो, तो एक गो तिरजा खंड के हम लोग क्षेत्रफल निकाल दें, 10 से गुणा कर दें, तो आराम से जो है ब्रूंज के प्रत्येक तिरजा खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब चूंकि तिरजा खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को जो है तिरजा तो पता चल गया, लेकिन थीटा पता नहीं है,
थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे जो है अपना क्रियाकलाप कर देते हैं इधर ही, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए किसी बिंदु पे जो है टोटल कोण कितना होता है 360, और ये कोण कितना बना हुआ है 10 गो बना हुआ है, ठीक है, तो 10 गो कोण बना हुआ है तो ये गो कोण कितना होगा, तो 10 से भाग दे दीजिए तो 1 0 से 1 0 36, एक कोण कितने का होगा 36, 36 डिग्री का एगो कोण होगा, तो एक एंगल हम लोगों को निकल गया कितना 36 डिग्री। तो अब हम लोग जो है आराम से जो है ब्रूंज के प्रत्येक तिरजाखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि ब्रूंज के एक तिरज प्रत्येक का मतलब एक तिरजाखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रूंज के प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक एक तिरजाखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक तिरजा खंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर हम यहाँ से निकालते हैं, तो ब्रूंज के प्रत्येक तिरजाखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा, तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब थीटा का मान हम लोग रख देंगे 36/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 17.5 गुणे 17.5 रख देंगे, ठीक है, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 36/360 गुणे 22/7 गुणे 17.5 को लिख सकते हैं 175/10 गुणे 175/10, मैंने दसमलव के बाद एक, दसमलव के बाद एक गो अंक है तो यहाँ पे बट्टे में 10 कर सकते हैं, दसमलव के बाद एक गो अंक है तो बट्टे में 10 कर सकते हैं, मैंने भाग देने में आसानी रहेगा काटने कूटने में, ठीक है। तो अब देखिए 36 एकम 36 और 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा, और फिर 2 से काट सकते हैं, 2 5 10 और 2 2 2 अग्रह 22, 7 से काट दीजिए, 7 2 14 और 7 में 4 3 7 5 35, 7 2 14 और 7 5 35, 25 7 175, ठीक है, तो ये कट गया 7 से, और फिर जो है 5 से काट दीजिए, 5 2 10 और 5 5 25, 5 से 5 5 25 और 5 2 10, फिर हम लोग 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, फिर जो है 2 से काट सकते हैं, 2 नहीं 5 से काटिए, 5 2 10 और 5 25, हम पाँच त्याई पंद्रह, 1 मिनट, 5 त्याई 15 17 में से 15 जा 2, 5 5 5 25, 35 35 5 175, ठीक है, तो ये 5 से कट गया, ठीक है, 5 से कट गया। अब नीचे बचा 2 2 4 और ऊपर 35 गुणे 11, ठीक है, यही ना बचेगा, ऊपर 35 गुणे 11 बचेगा, नीचे 2 2 4 बचेगा, तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं अब 35 गुणे 11 और बट्टे में 2 2 4, तो 11 5 55 के 5 हासिल 1, 11 5 55 के 5 हासिल 1, 11 5 55 के 5 हासिल सॉरी यार 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 3 33 और 5 38, तो 385/4 हो जाएगा mm, ये जो है mm स्क्वायर होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, तो mm स्क्वायर होगा, ठीक है, बस mm में दिया है आपका आंसर भी, तो जो है इसका आंसर हो गया 385/4 mm, मन करेगा तो आप लोग भाग दे दीजिएगा, नहीं तो 385/4 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है ये सवाल हल हो गया, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में भी आया होगा, सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।